देश और प्रदेश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब सभी राजनीतिक दलों ने हरियाणा में इसी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री राजेंद्र शर्मा ने पलवल जिला कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मीटिंग को लेकर संगठन को मजबूत करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं आप जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर रावत ने कहा कि हमारा गठबंधन राहुल गांधी और इंडिया अलायंस से है, जबकि भूपेंद्र हुड्डा का गठबंधन बीजेपी से है। तभी तो भूपेंद्र हुड्डा ने मनोहर लाल को जिताने के लिए दिव्यांशु बुद्धिराजा जैसे नौजवानों को राजनीतिक हत्या की। इस दौरान उनके साथ जिला कोषाध्यक्ष मूलचंद्र बटगुज्जर, वरिष्ठ नेता कर्नल राजेंद्र रावत, धर्मेंद्र हिंदुस्तानी सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। जैन साथियों, सबसे पहले तो जितने भी हमारे साथी प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी बैठे हैं, उनको मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज पलवल आने का एक खास मकसद है। चार दिन पहले रोहतक में एक हमारी मीटिंग हुई थी और मीटिंग हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी ने उस मीटिंग को लिया, जिसमें जितने भी हमारे 25 जिला के अध्यक्ष, 7 हमारे लोकसभा अध्यक्ष और 5 हमारे संगठन उसमें शामिल थे। उसमें नई रणनीति बनी है कि पार्टी के संगठन को कैसे दुरुस्त किया जाए और संगठन कैसे बढ़ाया जाए। वैसे तो हमारा संगठन ग्राम लेवल तक बना हुआ है, पहले उसको रिवाइज करना और जो पार्टी की नीति है, केजरीवाल जी की जो नीति है, जो उनकी मूलभूत सेवाएं हैं, उनको लेकर हमारा एक एक वॉलंटियर ग्राम में भी जाएगा और वार्ड में भी जाएगा। पार्टी ने जैसे दिल्ली में अपनी सरकार बनाई है और अपनी नीतियों का व्याख्यान हुआ वहां है, ऐसे ही पंजाब के अंदर हमने बंपर सरकार बनाई। अब केजरीवाल जी का पूरा फोकस हरियाणा पर है। इस फोकस को देखते हुए जितनी भी हमारी हरियाणा की टीम है, जो स्टेट बॉडी है, जिला बॉडी है, ब्लॉक के साथी हैं, सारे अब लगातार 90 दिन तक संगठन के कार्यकर्ताओं को आज यहाँ बुलाया है। 30 जून को जो रैली होने जा रही है साउथ हरियाणा में, आप देखेंगे कि ऐसी रैली आज तक हरियाणा के अंदर नहीं। इस रैली में युवा साथियों का वो जन आक्रोश भी शामिल होगा, जिसमें एक एनटीए संस्था, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसने नीट की परीक्षा ली, उसके शिक्षा मंत्री सेंट्रल धर्मेंद्र प्रधान जी, धर्मेंद्र प्रधान जी को हरियाणा का प्रभारी भी बनाया गया है। पर आप देखना कि लोग उनका स्वागत यहां नहीं करने जा रहे, क्योंकि उन्होंने युवा साथियों के शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। उस करप्शन के खिलाफ हम लोग कल आवाज भी उठाने जा रहे हैं, एक प्रोटेस्ट भी करेंगे सुबह 9 बजे पलवल बस स्टैंड पर। कार्यकर्ताओं का जहां तक है, संगठन हमारा मजबूत है, पर उसको आज गांव की कमेटी बनी थी, अब गली गली में कमेटी हम लोग बनाने जा रहे हैं। और इस गलियों की कमेटी के साथ अभी भुटानी साहब का एक प्रश्न था कि आम आदमी पार्टी का तो कोई आदमी कह ही नहीं रहे कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई,